नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। विडमगंज सोनभद्र से संजीव कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 19 मार्च 2020 को ग्राम धरती डोलवा में सरोवर भियो के सभी कैडर और समूह की महिलाओं ने मिलकर जैविक खाद का निर्माण किया। कृषि सखी राधिका देवी के द्वारा खाद बनाई गई, जिसको सभी कैडर मिलकर केंचुआ खाद बनाने के लिए प्रेरित किया गया। सोनभद्र जिले में एक अनुभवी पहल की शुरुआत की गई है। कृषि उत्पादन लागत की कमी के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। सोनभद्र जिले के तहसील दूधी के गांव धरती डोलवा द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला समूह की भागीदारी से जैविक खाद का उत्पादन किया जा रहा है। खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग कम होगा, खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, जैविक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। साथ ही रासायनिक खाद में कम खर्च होने वाली राशि भी बचत हो सकेगी। रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने का संकल्प के साथ समझौता समूह की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक कार्य कर रही हैं। एक हाथ ऊंचे और 15 दिन पुराने गोबर के पुराने ढेर में 1 किलो केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। समय समय पर पानी का छिड़काव के बाद पूरा गोबर चाय की पत्ती की तरह बनकर हो जाता है, जिसमें उपस्थित रहे BMM मिथिलेश सर, वीवो बुककीपर रूपा गुप्ता और गाँव की महिला समूह के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सर, आप यहाँ अभी किस लिए आए हैं? अभी हम जैविक खाद के बारे में बताने हैं, जैसे केंचुआ का खाद बनाए तो इसका कैसे हम लोग बनाएंगे और इसका क्या उपयोग होगा जी, और इससे हमको क्या फायदा होगा। अभी आप किस जगह पर आए हैं सर? जो जगह ये है, ये धरती डोलवा है, ये अच्छा, ब्लॉक का धरती डोलवा गाँव है। गाँव में कृषि सखी जो है केंचुआ का खाद बनाई है। केंचुआ की खाद बनाई तो हम लोग देखने आए हैं और प्रोत्साहित करने आए हैं कि कैसे जैविक खाद के माध्यम से हम लोग सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे हम लोग खाद के द्वारा सब्जी का उत्पादन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हम लोग को हो जाती हैं, इसलिए हम लोग जैविक तरीका से खाद बनाए हैं, केंचुआ खाद बनाए हैं। तो इसे खेतों में देंगे तो खेत हमारा क्या होगा, उपजाऊ होगा और सब्जी का फसल अच्छा होगा। जैसे हम लोग हर दिन अगर 50 रुपये का भी सब्जी खाते हैं तो एक महीना में 1500 रुपये का सब्जी खरीदारी कर लेते हैं और साल में 18,000 रुपये का हम लोग का नुकसान होता है। 18,000 का सब्जी खा लेते हैं और इसके माध्यम से जैविक तरीका से सब्जी का उत्पादन करेंगे तो कोई रोग बीमारी नहीं होगा, पहला बात। और दूसरा बात कि हम लोग को 18,000 रुपया सालाना बचेगा और जो पैसा बीमारी में हर घर में लोग बीमार हैं, 200-400-500 रुपया लगता है कि ना दीदी, वो सब बीमारी से जो पैसा लगता है तो उस पैसे का बचत होगा। और 18,000 का जो सब्जी खरीदते हैं, सब्जी का खरीद के न करके हम लोग अपने घर में ही सब्जी का उत्पादन करेंगे, बोरी बगीचा के माध्यम से बोरी बगीचा हम लोग लगाते हैं या हम लोग किचन गार्डन बनाते हैं, उसमें से खाद का उपयोग कर सकते हैं और सब्जी का अच्छा तरीका से उत्पादन कर सकते हैं। इसको अगर चाहे तो अपने गांव के किसानों को भी इसके बारे में बताएंगे कैसे हम लोग कितना खाद बनाएंगे, उनसे भी बेच सकते हैं और सभी लोग इस तरह से आम बनाए जैविक खाद, धीरे धीरे करके गाँव के सभी लोग जैविक खाद का उपयोग करेंगे और कोई बीमारी नहीं होगा और इसको बेच के अच्छा खासा आमदनी भी होगा। आए हैं किस पोस्ट में है सर यहाँ? मैं यहाँ दूधी ब्लॉक में ब्लॉक मिशन मैनेजर लाइवलीहुड के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ जी। और आप लोग जैविक तरीका से खाद बनाइए और महिला किसान जो है उनको ट्रेनिंग दीजिए और उन लोगों को भी बनवाइए। गांव में सभी लोग जैविक तरीके, मेरा लक्ष्य है गांव में सभी लोग जैविक तरीके से खेती करें। एक लोग नहीं, आप लोग बना लिए हैं तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, वो लोग भी बनाए, धीरे 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 करके पूरा गांव में हम लोग चाहते हैं कि पूरा ब्लॉक में लोग जैविक तरीका से खेतों में सब्जी का उत्पादन करें और यहां से सब्जी दूसरे जगह जाए, हम लोग का ये लक्ष्य होना चाहिए। जो खाद जो तैयार हुआ है सर, लगभग कितना दिन में तैयार हो जाता है? लोग को लगता है कि 3 महीना लग गया, 3 महीना में पूरी तरीके से खाद तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको, इसमें कॉस्ट क्या आता होगा सर? लगभग जो तैयारी जो खाद जो तैयार हुआ है, कॉस्ट कितना आया होगा इनका? हम लोग को लगता है जैसे ये लोग पहले बार खरीदे थे 1.5 किलो केंचुआ खाद, यानी 450 रुपया लगा था। उसके बाद अपना घर का गोबर है जी जी, और एक प्लास्टिक है, तो 400-500 रुपया में ये लोग इतना खाद तैयार कर लिए हैं। अच्छा अच्छा, कितना लगभग अभी हो गया होगा खाद सर यहाँ पर? हमको लगता है कि 1-2 क्विंटल, 1.5 से 2 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2 क्विंटल हो गया ना, 2 क्विंटल का उपयोग कर लिया और उतना खाद है इसको 300 रुपया केंचुआ अगर हो गया है। हाँ। हमको लगता है 25-30 किलो केंचुआ खाद बन गया होगा और इससे ज्यादा ही है। अगर 1 किलो 300 रुपया के अनुसार हम लोग खरीदे थे, अगर वैसे भी बेचे तो 25-50 साढ़े 7,000 का केंचुआ ही हम लोग का तैयार हो गया।
अच्छा, इनका 450 में 5,500 केचुआ ही तैयार हो गया और खाद अलग से बेचेंगे, अलग से यहाँ 3 महीना में इनका लगभग 10,000 रुपए का बेनिफिट हो गया 3 महीना में। उसके बाद खाद भी हम लोग 10 रुपया किलो के अनुसार बेच सकते हैं, खाद भी इसको 10 रुपया किलो पर खुदरा में जो गाँव में लोग लेना चाहे तो 10 रुपया किलो हम लोग बेच सकते हैं। ये सब फायदा है कि हम लोग अपना जैविक तरीका से खेती करें और लोगों को भी मोटिवेट करें, गांव के किसानों को भी जैविक तरीका से खेती करने के लिए मोटिवेट करें। ये आप लोग यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं जो बैठे हुए हाथ में क्या लिए हैं आप लोग? कहीं भैया दीदी को जय जी का, मेरा नाम राधिका देवी, संगम सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ, सरोवर प्रेरणा महिला ग्राम संगठन का भी अध्यक्ष हूँ, नारी विकास अंकुल स्तरीय का सदस्य हूँ, मैं कृषि सखी के पद पे कार्य करती हूँ, मेरा कलेक्टर केवाल है, ग्राम धरती डोलवा के रहने वाली हूँ। ये हम लोग का मिला है भैया, हम कृषि सखी के काम करती हूँ तो मिला है कि भाई जो केचुआ खाद बनाएगा वो कृषि सखी के काम करेगा तो भाई बिजनेस के लिए चाहे खेती बाड़ी के लिए ये केचुआ खाद लाभदायक होगा, इसलिए हम केचुआ के खाद करके मतलब खेत में उपयोग करने के लिए तैयार किए हैं और दूसरा भी खाद, ये खाद तैयार हो गया है भैया और दूसरा खाद बनाने वाला है, इसलिए इसको आज हम निकाल कर और पल्टी करना चाहते हैं। धन्यवाद।